अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस का बटन ऑन कर लीजिए। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको करने वाले हैं, जिसमें हम कम्युनिकेशन मीडिया पर बात करेंगे और इसकी टाइप्स के हवाले से देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि कम्युनिकेशन मीडिया के अंडर आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं। जिस तरह आप कह लें किसी भी किस्म की केबल्स हो गई, ट्विस्टर पेयर वायर केबल हो गई, कोएक्सियल केबल होगी, फाइबर ऑप्टिक केबल होगी, या माइक्रोवेव सैटेलाइट के थ्रू किसी भी मतलब रास्ते के थ्रू अगर आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, चाहे वो वायर्स वाला है चाहे वो वायरलेस है, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो आपकी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू हो रही होगी, यानी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हो रही होगी। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक गाइडेड मीडिया होता है और एक अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड मीडिया को हम वायर्ड मीडिया बोलते हैं, अनगाइडेड को हम वायरलेस मीडिया बोलते हैं। इनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गाइडेड मीडिया होता क्या है? ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ बाय द हेल्प ऑफ अ वायर, ठीक है, तार के जरिए अगर हमने सेंडर रिसीवर को इकट्ठा अटैच कर दिया हुआ है तो वो चीज क्या कहलाएगी? गाइडेड मीडिया। इसमें आपका जो सिग्नल है उसके लिए लाजम है कि वो उसी तार में से गुजरकर रिसीवर तक पहुंचे, यानी वो बाउंड हुआ हुआ होता है उस केबलिंग के थ्रू। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। जब हम अनगाइडेड मीडिया की बात करते हैं तो इसमें ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ जाती हैं जो कि हवा के जरिए या स्पेस के जरिए एक दूसरे को सिग्नल सेंड या रिसीव करती हैं। इसको वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया भी हम बोलते हैं। इसमें जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो एक वेव की फॉर्म में होती है और इसमें सारे के सारे जो अब सिग्नल्स हैं वो डिजिटली ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कोई रास्ता नहीं उनको स्पेसिफिक बता सकते। जिस तरह आपकी वायर है, वायर के जरिए तार के जरिए डाटा जा रहा है तो उस डाटा को पता होता है जी मैंने इस तार में से गुजर के पहुंचना है। इधर जो है आपके पास प्री डिफाइंड पाथ नहीं है, स्पेसिफिक पाथ नहीं है सिग्नल के लिए कि तुमने भी इसी रास्ते को फॉलो करते हुए सेंडर से रिसीवर तक जाना है। इसी वजह से यहां पर जो सिग्नल्स हैं वो अनबाउंडेड होते हैं, बाउंड नहीं हुए होते केबलिंग मीडिया के साथ, इसी वजह से इसे अनबाउंडेड मीडिया भी बोला जाता है, ठीक है। जब हम इसको कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमारे पास फिजिबिलिटी नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा वे नहीं है कि हम सिस्टम्स को तारों के ज़रिए जोड़ सकें, तो हम फिर वायरलेस मीडिया जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह अगर हमने पूरी दुनिया में डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो वहाँ पर वायरलेस मीडिया का इस्तेमाल होना लाजमी है, क्योंकि इतनी नंबर ऑफ वायर्स इतने इतने लंबे डिस्टेंस तक बिछाना एक आसान बात नहीं है। और इसकी जो आप फर्दर टाइप्स हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, सारी इसकी टाइप्स हैं। आपको ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग पूछा जा सकता है, प्लस अगर आपने गाइडेड मीडिया के हवाले से देखना है तो गाइडेड मीडिया की टाइप्स भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के आ सकती हैं तौर पर, और इसी तरह अनगाइडेड मीडिया की टाइप्स भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकती हैं। अब हम देखते हैं गाइडेड मीडिया को अगर हमने एक्सप्लेन करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे। पहले गाइडेड मीडिया की डेफिनेशन होगी जो कि आपको पीछे मैं बता चुकी हूँ, आपने वो लिखनी है। उसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल पे आपने आ जाना है। ये ऐसी केबल होती है जो कि थोड़े फासले तक डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। 100 मीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर ये 9600 बिट्स पर सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह ईजिली भेज सकती है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क में होता है और इसमें टेलीफोन लाइन जो है बेसिकली इस्तेमाल हो रही होती है ताकि वो आपके वॉइस के सिग्नल या कोई डाटा का सिग्नल है उसको एक जगह से दूसरी जगह सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा सके। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि इसमें पेयर होता है कॉपर वायर्स का, जोड़ा जोड़ा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और वो एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट हुए हुए होते हैं, कर्ल की सूरत में होते हैं जैसे ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। तो इसमें जो है वो हर पेयर अलग अलग है और आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, तो इसी वजह से इसको ट्विस्टेड पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। ये अंदर इसके कॉपर की वायर्स होती हैं और इसके ऊपर जो एक फर्दर लेयर होती है जिसमें इन सारे पेयर्स को कनेक्ट किया गया होता है उसको हम जैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस जैकेट के अंदर सारे ट्विस्टेड पेयर्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हुए होते हैं और ट्विस्टिंग ऑफ वायर्ड प्रोटेक्ट्स। अब ये हमारे माइंड में सवाल आ सकता है कि जी ये जो वायर्स हैं ये क्यों ट्विस्ट हुई हुई हैं? ताकि जो एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो जो हैं इन जो अंदर तारों के अंदर सिग्नल जा रहे हैं उसको डिस्टर्ब ना कर सकें, इस वजह से इंटरफेरेंस से बचाने के लिए एक दूसरे के गिर्द इनको लपेट दिया जाता है।
ट्विस्टेड बेयर केबल जो हैं वो दो तरह की होती हैं, शील्डेड भी होती हैं, अनशील्डेड भी होती हैं। जो शील्डेड होती हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं और इनके इर्द गिर्द एक खास किस्म की प्रोटेक्टिव लेयर या मटेरियल यूज हुआ हुआ होता है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मुदाखलत जो उन वेव्स की ना हो सके। लेकिन अनशील्डेड में कोई भी प्रोटेक्टिंग मटीरियल इनके इर्द गिर्द नहीं लगा हुआ होता। जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो स्पीड में भी फास्टर होती है और महंगी भी आती है। लेकिन जो यूटीपी है दैट इज़ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, ये ज़्यादातर जो है वो लैन में जो टेलीफोन सिस्टम में इस्तेमाल हो रही होती है या फिर सिक्योरिटी कैमराज में यूज़ हो रही होती है, ये स्पीड में कोई ज़्यादा खास फास्ट नहीं होती और इसलिए ये सस्ती भी होती है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है इसको कोएक्स भी बोलते हैं। इसमें सिंगल सॉलिड कॉपर वायर होती है, ठीक है, जिसके अंदर इनर कंडक्टर लगा हुआ होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो सबसे इंटरनल पार्ट है दैट इज़ द इनर कंडक्टर, उसके ऊपर जो लेयर है उसको हम इनर इंसुलेटिंग लेयर बोलते हैं, उसके ऊपर कॉपर मैश है और सबसे जो आउटर लेयर है उसे आउटर इंसुलेटिंग लेयर बोलते हैं। कॉपर मैश जो है, मैश का क्या मतलब है, नेट, ठीक है। तो ये नेट की एक तार होती है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से जो है वो आपके सिग्नल्स को बचाती है। और आउटर इंसुलेटिंग लेयर जो होती है उसने कवर किया हुआ होता है कॉपर मैश को। अब ये जो लेयर्स हैं ये केबल को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं ताकि किसी भी किस्म के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं जो कि तार से बाहर जा रहे हैं, सिग्नल्स हवा में जा रहे हैं, वो इंटरफेयर ना कर सकें, वो मुदाखलत ना कर सकें और हमारा जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो केबल है एक्चुअली बाहर से प्लास्टिक के साथ कवर हुई हुई होती है। सिंगल केबल जी आपकी लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आपने ट्रांसमिशन करनी है ज़्यादा फासले तक डाटा को भेजना है तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए कोएक्सियल केबल को इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर ये केबल टीवी में यूज़ होती है, टेलीफोन नेटवर्क में यूज़ होती है, लैन में यूज़ होती है। बड़ी अच्छी हाई क्वालिटी की जो है डाटा ट्रांसमिशन ये देती है। किसी भी किस्म की डिस्टॉर्शन, मतलब आवाज़, जो भी आपका जो सिग्नल है वो फटा हुआ महसूस होना अगर वो वॉइस सिग्नल है, इस टाइप का कोई सिग्नल नहीं होता इसमें। और किसी भी किस्म का आपका सिग्नल लॉस कभी खतरा कम से कम है। इसमें जितना भी डाटा ट्रांसफर किया जाता है काफी हाई फ्रीक्वेंसी डाटा ट्रांसफर किया जाता है और ये ट्विस्टेड पेयर मीडिया से 80 गुना ज्यादा बैंडविड्थ रखती हैं, मतलब 80 गुना ज्यादा डाटा एक जगह से एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। इसका जो डाटा ट्रांसमिट करने का रेट है वो 10 to 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। इसी वजह से ये चूंकि फास्ट भी हैं और उनसे ज्यादा जो है 80 गुना ज्यादा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, इसी वजह से ये एक्सपेंसिव भी होती हैं। नेक्स्ट जो हैं आपकी आ जाती हैं वायर्स फाइबर ऑप्टिक केबल। ये काफ़ी फास्ट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें 100 या थाउजेंड्स कह लें, हज़ारों छोटे छोटे बिल्कुल बाल जितने बारीक धागे होते हैं जो कि ग्लास के होते हैं, मतलब शीशे के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है। और ये फर्दर इसमें आप ये कंसिडर कर लें कि जिस तरह हमारे बाल बारीक हैं उसी तरह ये धागे भी बारीक बारीक होते हैं। ये देख लें, अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं तो यहाँ पर ये बारीक सा रेशा है, इसके जो है वो क्लेडिंग ग्लास है और एंड पे जो उसको जैकेट प्रोटेक्ट कर रही होती है जो कि प्लास्टिक की है, ठीक है। तो ये जो क्लेडिंग है ये आपकी जैकेट प्रोटेक्ट बेसिकली कर रही होती है। फैक्शन इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये डाटा जो है वो ट्रांसमिट करती है लाइट वेव्स की सूरत में, ठीक है। ऐसे लगता है जो आपका डाटा है वो एक लाइट की सूरत में जा रहा होता है। दोनों एंड पे इसके कन्वर्टर लगे हुए होते हैं। ट्रांसमीटर साइड पे यानी कि सेंडर साइड पे जो डाटा है वो डिजिटल से लाइट वेव में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि इसने लाइट फॉर्म में ही डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ठीक है। वो फाइबर ऑप्टिक केबल पे ये डाटा ट्रांसमिट हो जाता है और रिसीवर साइड पे जो कन्वर्टर लगा हुआ होता है वो जो लाइट वेव्स उसको रिसीव होती हैं वो उसका डिजिटल सिग्नल दोबारा से बना के रिसीवर को दे देता है। तो इस तरीके से बहुत फास्टली फाइबर ऑप्टिक केबल से डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। यूजली ये 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड से लेके 2 गीगाबिट्स पर सेकेंड तक, मतलब इतनी हाई स्पीड इसकी ट्रांसमिशन होती है कि बहुत अच्छा खासा ये डाटा बिलियंस बिट्स पर सेकेंड इकट्ठा ट्रांसफर ये कर सकती है। किसी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये असरअंदाज इस पर नहीं होती। प्लस इसमें जो ट्रांसमिशन है वो एनालॉग सिग्नल भी जा सकते हैं, डिजिटल सिग्नल भी जा सकते हैं। ये ज़्यादा रिलायबल होती है, जो हमने पीछे दोनों किस्म की वायर्स पढ़ी हैं, वायर मीडिया पढ़ा है, उन दोनों से ये ज़्यादा जो है वो रिलायबल है। इसमें कम से कम डाटा
डेटा ट्रांसमिशन एरर्स आते हैं, डेटा कम से कम लॉस्ट होता है, सबसे महंगी है उनमें से, और लेकिन ये डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल भी है। आजकल ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, टेलीफोन कंपनियाँ भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं, केबल टीवी कंपनियाँ भी इस्तेमाल कर रही हैं, और इन द नियर फ्यूचर जो है सारे के सारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं दुनिया में वो इस केबल को यूज़ करेंगे, बिकॉज ये ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा फास्ट है और लेस एरर ट्रांसमिशन करती है। अनगाइडेड मीडिया पर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना आ जाए तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसकी टाइप्स लिखनी है। तो पहली टाइप क्या है अनगाइडेड मीडिया की, दैट इज़ द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव यानी कि रेडियो वेव भी हम इसको बोलते हैं। ये काफ़ी हाई स्पीड ट्रांसमिशन करता है और एक बिल्कुल सीध में, मतलब इसका सिग्नल जो है इस पर से पास ऑन हो रहा होता है, वो बेंड नहीं होता, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह इसमें जा रहे होते हैं। आपकी जो ज़मीन है, ज़मीन पर ढेर सारे जो हैं वो माइक्रोवेव स्टेशन यानी कि रिले स्टेशन या बूस्टर भी इसको कह सकते हैं, वो लगे हुए होते हैं, जो कि डाटा को ट्रांसमिट भी करते हैं, डाटा को रिसीव भी करते हैं। रिले स्टेशन पे क्या क्या होते हैं जो उसके कंपोनेंट्स हैं, एक एंटीना होता है, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, और कुछ छोटी मोटी और भी चीज़ें इसमें लगी हुई होती हैं जो कि इसका पार्ट होती हैं। एंटीनाज जो हैं वो हाई टावर पर इंस्टॉल किए जाते हैं या फिर किसी बड़ी ऊंची बिल्डिंग इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, और तकरीबन ज़मीन से 40 से 50 फुट की बुलंदी पर होते हैं। और ये जो एंटीनाज लगाए जाते हैं वो 20 से 30 मील के फासले पर एक दूसरे से लगाए जाते हैं। ज़मीन पर ढेर सारे जो हैं वो आपके पास रिले स्टेशंस, माइक्रोवेव स्टेशंस मौजूद होते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपका डाटा सेंडर से रिसीवर तक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपका जो डाटा है, हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा रिले स्टेशन या बेस स्टेशन से गुजर कर पहुँचे। तो इसमें जो भी ट्रांसमिशन है वो एक रिले स्टेशन से दूसरे रिले स्टेशन तक होती है। हर रिले स्टेशन क्या करता है, डाटा सिग्नल को पिछले वाले रिले स्टेशन से रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और फिर अगले स्टेशन तक उसको ट्रांसमिट कर देता है, रीट्रांसमिट कर देता है। डाटा की ट्रांसमिशन इस सिस्टम को यूज़ करते हुए काफ़ी दूर तक की जा सकती है। इधर अगर आप डायग्राम देख लें तो डायग्राम में सारे के सारे जो एंटीनाज हैं वो सारे के सारे एक सीध में लगे हुए हैं। जो बेस स्टेशन, ये फर्स्ट वाला जो है आपका, इसने जो भी सिग्नल ट्रांसमिट करना है बिल्कुल सीधा नेक्स्ट वाले जो है बेस स्टेशन को, रिले स्टेशन को दे देना है, एंड सो ऑन, ऐसा चलता चला जाएगा। और ये 30 मील के फासले पर एक दूसरे से लगे हुए होंगे। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, जिस तरह कंटिनेंट टू कंटिनेंट, जो आप बराजमों में अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसमिट करना है, बहुत दूर दराज इलाकों में ट्रांसमिट करना है, तो बहुत फास्टली अगर आपने कम्युनिकेशन, जिस तरह आप ऑनलाइन मैचेस देख रहे होते हैं, लाइव क्रिकेट के मैचेस या फुटबॉल के मैचेस, तो सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट के थ्रू हो रही होती है। इसमें सैटेलाइट भी होता है और ज़मीन पर काफ़ी सारे बेस स्टेशन भी मौजूद होते हैं जो कि आपके ज़मीन से डाटा लेके सैटेलाइट को देते हैं, और सैटेलाइट आगे दूसरे कंटिनेंट में कहीं भी किसी भी बड़े आज़म में या किसी भी और कंट्री में डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है किसी अगले जो है बेस स्टेशन को। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, हम इनको स्पेस स्टेशन भी बोलते हैं, इनको रिले स्टेशन भी बोलते हैं। ये ज़मीन से तकरीबन 22,300 मील की दूरी पर अबव द अर्थ लगे हुए होते हैं। जो अर्थ स्टेशन होते हैं इसमें एक डिश एंटीना लगा हुआ होता है, ये सिग्नल को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ आप डायग्राम में अगर देखें तो ये आपके पास दो अर्थ स्टेशन हैं, ठीक है, और ज़मीन से ये तकरीबन 22,300 मील की दूरी पर आपका ये सैटेलाइट जो है वो लगा हुआ है ज़मीन से ऊंचाई पर। सैटेलाइट क्या करता है, माइक्रोवेव सिग्नल्स को अर्थ स्टेशन से रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करता है और फिर दूसरे अर्थ स्टेशन को सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह दे देता है, चाहे वो दूसरा बेस स्टेशन जो है वो थाउजेंड ऑफ माइल, हज़ारों मील दूर क्यों ना हो, वो सिग्नल जो है ईजिली एक जगह से दूसरी जगह एक दो सेकेंड के अंदर, हार्डली फ्यू सेकेंड्स लगते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता होता है। जो भी सिग्नल ट्रांसमिट करना है अर्थ स्टेशन ने सैटेलाइट स्टेशन को, उसे बोलते हैं अपलिंकिंग, और जो सैटेलाइट स्टेशन से अर्थ स्टेशन तक सिग्नल आएगा उसको बोलते हैं डाउनलिंकिंग। तो इसमें एक ही वक्त में ढेर सारा डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन इसका जो मेन मसला है वो ये है कि अगर आपका वेदर ख़राब है तो आपकी जो क्वालिटी है डाटा की वो लॉस हो सकती है। इसी वजह से कई दफ़ा होता है कि हम लाइव मैचेस देख रहे होते हैं और अगर वहाँ पर बादल आ गए हैं तो डेफिनेटली वहाँ का जो है जितना भी डाटा सेटेलाइट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है वो हम तक नहीं पहुँच जाता, और इसी वजह से फिर हमारा वो जो मैच है उसका डाटा जो है फर्दर हम लाइव मैच नहीं दे सकते। तो
तो वो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो मुलतवी हो जाती है। तो इसको जो इंस्टॉल करना है काफ़ी कॉस्टली भी है और इसको मेंटेन करना भी ज़रा मुश्किल है। थर्ड आपका अनगाइडेड मीडिया आ जाता है मोबाइल कम्युनिकेशन, इसको हम रेडियो बेस्ड नेटवर्क भी बोलते हैं। ये डाटा को सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है मोबाइल कंप्यूटर से, और ये सारी की सारी कम्युनिकेशन इस लेवल पर रेडियो सिग्नल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स भेजे जा रहे होते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।